नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। आज हम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 बिल्डिंग बाईलॉज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिल्डिंग बाईलॉज क्या होता है? बिल्डिंग बाईलॉज होता है कि जब भी भवन निर्माण किया जाता है तो उसमें म्यूनसिपलिटी और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको उन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है जिससे आपकी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, इसकी स्टेबिलिटी, और आपके घर में वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से सनलाइट आ सके और आपकी बिल्डिंग का लाइफ लॉन्ग इंक्रीज हो सके। तो इन चीज़ों का जब भी ध्यान रखा जाता है तो उसको बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज, जिसके कारण आपकी कितना सेटबैक रखना है, रोड विड्थ के अनुसार कितना सेटबैक रखना है, बिल्डिंग की हाइट क्या रखनी है, उसका फाउंडेशन की डेप्थ क्या रखनी है, विंडोज़ की साइज़ क्या रखनी है, रूम की क्या साइज़ रखनी है, किचन की क्या साइज़ रखनी है, पैरापेट वॉल की हाइट क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का जब भी ध्यान रखा जाता है तो उसको बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले जब भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले होता है कि उसके फाउंडेशन की डेप्थ क्या होनी चाहिए। तो फाउंडेशन में जनरली मिनिमम डेप्थ 1 मीटर रखनी चाहिए। लेकिन 1 मीटर के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि उसमें की जो सॉइल में जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम डेप्थ आपको फाउंडेशन की 1 मीटर रखनी है, लेकिन वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, जिससे आपके बिल्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, उस पर कोई भी वेदरिंग कंडीशन का इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट आता है प्लिंथ हाइट क्या होती है? जब प्लिंथ हाइट होती है ग्राउंड लेवल से, जहाँ से आपका फ्लोर स्टार्ट होता है, मतलब फ्लोर लेवल से और ग्राउंड लेवल के बीच की हाइट होती है, उसको प्लिंथ हाइट कहते हैं। तो प्लिंथ हाइट 300 से 600 mm होती है, लेकिन जनरली यह है 1.5 फीट या 450 mm रखी जाती है। लेकिन जहाँ पर अगर वाटर लॉगिंग एरिया होता है वहाँ पर आप बिल्डिंग की प्लिंथ हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, वहाँ पर आप 600 mm प्लिंथ हाइट रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया जो भी फ्लोर एरिया होता है उसका 1.2 टाइम्स होना चाहिए। फिर आता है ब्रिथ ऑफ फिटिंग। तो ब्रिथ ऑफ फिटिंग होती है 2t+2j। यहाँ पर टी है थिकनेस ऑफ द वॉल और जे है ऑफसेट ऑफ द कंक्रीट, जो कि 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। और डीपीसी, जब भी डीपीसी की जाती है बिल्डिंग में, तो आपको यह ध्यान रखना है कि डीपीसी का जो थिकनेस होती है वो 20 mm से 25 mm होती है। जनरली डीपीसी 20 mm, 25 mm और 40 mm की जाती है, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में डीपीसी 20 mm या 25 mm की जाती है। फिर आता है डीपीसी के बाद में फ्लोरिंग होती है कंक्रीट पर। तो कंक्रीट की फ्लोरिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी मिनिमम थिकनेस 100 mm होनी चाहिए। फिर आता है सीलिंग हाइट। तो सीलिंग हाइट जनरली जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसमें 3000 mm से 3600 mm तक रखी जाती है, लेकिन आप बाथ और WC मतलब वाटर क्लोजेट्स में आप सीलिंग की हाइट को 2000 mm से 2750 mm तक भी रख सकते हैं। तो सीलिंग हाइट रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अलग अलग रखी जा सकती है। आपके मेन रूम्स होते हैं, किचन होते हैं, उसमें आप 3000 से 3600 mm रखेंगे, और जो आपके बाथरूम्स और WC होते हैं उसमें आप 2000 से 2750 mm तक सीलिंग हाइट रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया जनरली 50 to 65 ऑफ फ्लोर एरिया होता है। इसमें जैसे दोस्तों एक डायग्राम दिखाया गया है, बिल्डिंग का प्लान है, इसमें कुछ येलो कलर है और कुछ वाइट कलर है। तो जो ये तो पूरा है प्लिंथ एरिया हो गया है वाइट और इसको मिला के, और जो येलो कलर से डिनोट किया गया है जिस पर आप कारपेट बिछा सकते हैं उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। और जो पूरा एरिया होता है जिसमें लिफ्ट, कॉरिडोर, स्टेयर्स, इन सारे एरिया कवर किया जाता है, उस सबको इंक्लूड करके उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया या फ्लोर एरिया। तो कारपेट एरिया जनरली फ्लोर एरिया का 50 to 65% होता है, जहाँ पर आप कारपेट बिछा सकते हैं। फिर होता है मेन एंट्रेंस। डोर की क्या साइज़ लेनी होती है? तो डोर की साइज़ आपको अगर मेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में मेन एंट्रेंस डोर है तो उसकी डायमेंशन लेनी है आपको 1000 mm से 2100 mm। जनरली सारी डोरों की हाइट 7 फीट या 2100 mm रखी जाती है, लेकिन विर्थ अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर है तो उसमें 1000 mm लेंगे, और अगर अदर डोर है तो उसमें आप 3 फीट या 900 mm उसकी विर्थ ले सकते हैं। और अगर ये गैराज के डोर हैं तो इसमें आप 2500 mm से 2300 mm साइज ले सकते हैं, लेकिन
जो बाथरूम्स और आपके WC होती है वहाँ पर आप कम विड्थ का डोर लेते हैं, वहाँ पर आपकी विड्थ 600 mm से 750 mm हो सकती है और हाइट जनरली सारी डोरों की 7 फिट रखी जाती है। फिर आता है विंडोज़ की साइज़ क्या रखी जाता है, तो विंडोज़ की साइज़ आपकी जो क्लियर ओपनिंग होती है, जो आपका रूम या जिसमें भी आपको विंडो प्रोवाइड की जाती है उसकी एरिया कितना होता है उस पर डिपेंड करती है कि उसकी साइज़ कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। तो जनरली आपको विंडो की विड्थ लेनी होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी विड्थ रूम की विड्थ है और हाइट है उन दोनों के सम का 1/8 विंडो की विड्थ होती है। फिर आपको ग्लास एरिया जहाँ से आपको सनलाइट से या एयर आती है, तो ग्लास एरिया हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका फ्लोर एरिया होता है उसका 10 से 20% आपको ग्लास का एरिया लेना होता है। और मिनिमम साइज विंडोज़ की होनी होती है 750 mm से 1000 mm। फिर था मिनिमम साइज ऑफ वेंटिलेटर, वेंटिलेटर की साइज़ क्या रखी जाती है, तो वेंटिलेटर की साइज़ आप 1000 mm से 500 mm रखते हैं, लेकिन यही बाथरूम्स और WC में इसको 450 से 300 mm रखी जाती है, लेकिन डेप्थ इसकी 450 mm से रखी जाती है। फिर आता है कि रूम की डिफरेंट साइज ऑफ रूम, जो भी आप जैसे ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, आपका बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बाथ, WC, गेस्ट रूम, इनमें मिनिमम डायमेंशन और मैक्सिमम डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में जब भी आपको डायमेंशन रखनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम डायमेंशन उसकी 4200 mm इंटू 4800 mm होनी चाहिए और मैक्सिमम डायमेंशन इसकी 5800 mm इंटू बाई 7200 mm होनी चाहिए। यही साइज़ अगर बेडरूम में ली जाए तो बेडरूम की अगर मिनिमम साइज़ हो जाएगी 3000 mm से 3600 mm और मैक्सिमम होगी इसकी 4200 mm से 4800 mm। डाइनिंग रूम की मिनिमम डायमेंशन 3600 mm बाई 4200 mm और मैक्सिमम डायमेंशन होगी इसकी 4200 mm बाई 4800 mm। इसी प्रकार किचन की 2500 mm बाई 3900 mm और मैक्सिमम डायमेंशन होगी इसकी 3000 mm बाई 3000 mm। इसी प्रकार से बाथरूम की अगर उसमें WC कंबाइंड है तो 1800 mm बाई 1800 mm और मैक्सिमम डायमेंशन होगी इसकी 1800 mm बाई 2500 mm। इसी प्रकार से सेपरेटेड है अगर आपकी बाथरूम तो 1200 mm बाई 1800 mm, WC सेपरेटेड है तो 1200 mm बाई 1200 mm। अगर कोई गेस्ट रूम आप प्रोवाइड करा रहे हो तो इसकी मिनिमम डायमेंशन 3000 mm बाई 3600 mm और मैक्सिमम डायमेंशन होगी 3000 mm बाई 3000 mm। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी प्लान बना रहे हो तो उसमें आपको रूम की साइज़ क्या रखनी है, किचन की साइज़ क्या रखनी है, बाथरूम इन सारी की साइज़ क्या रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है स्टेयर्स, तो स्टेयर्स में मेनली क्या होता है राइज एंड स्लेड। तो अगर आपको राइज प्रोवाइड कराना है उसमें राइजर, तो बिल्डिंग का राइजर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 130 mm से 190 mm प्रोवाइड किया जाता है, जनरली ये 120 mm होता है। और इसी प्रकार से आपको थ्रेड प्रोवाइड कराने हैं तो थ्रेड भी इतना ही प्रोवाइड किया जाता है, जनरली इसका 2 टाइम्स होता है थ्रेड, 1 फिट के करीब थ्रेड प्रोवाइड किया जाता है जिस पर आप सपोर्ट देते हैं। तो नंबर ऑफ अगर आपको राइजर फाइंड आउट करने हैं किसी भी बिल्डिंग्स में, तो आपकी टोटल हाइट कितनी है फ्लोर की और उसमें एक राइजर की हाइट से डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ थ्रेड का एंड करने, तो नंबर ऑफ राइजर माइनस वन आपके नंबर ऑफ थ्रेड हो जाएंगे। फिर आता है लिंटेन, तो थिकनेस ऑफ द लिंटेन हमेशा 100 mm से 250 mm तक रखी जाती है और इसमें भी 150 mm जनरली कॉमन यूज में ली जाती है। इसी प्रकार से अगर RCC रूफ स्लैब आप प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी थिकनेस आपको 100 mm से 150 mm लेनी है और सनसेट की लेनी है आपको थिकनेस 25 mm से 50 mm। इसी प्रकार से सनसेट प्रोजेक्शन थ्रू लेना है आपको 450 mm से 450 mm और 500 mm। तो ये सारी चीज़ें आपको डायमेंशन रखनी है, इसमें डायमेंशन में दिखाया गया है कि ये लिंटेन है और ये छज्जा है, तो छज्जे की अगर प्रोजेक्शन लेना है तो 450 mm टू 500 mm, लिंटेन की थिकनेस लेनी है आपको 100 mm से 250 mm, जनरली 150 mm।
फिर आता है बरांडा। तो बरांडा की विड्थ आपको रखनी है 1.8 मीटर से 3 मीटर तक आपको विड्थ रखनी है, और इसके लिए पैसेज की जो गलियारा होता है उसकी विड्थ होनी चाहिए 0.8 मीटर से 1.2 मीटर तक। आपको जो भी प्लान प्रोवाइड करा रहे हो उसमें आपको इंट्रेंस की विड्थ रखनी है। इसी प्रकार से अगर आप पैरापेट बॉल प्रोवाइड कराते हो तो उसके पैरापेट बॉल की हाइट होती है 0.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और ये 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये हमेशा फिनिश्ड फ्लोर सर लेवल से नापी जाती है। पैरापेट बॉल होती है जो भी ऊपर का फ्लोर होता है उस पर जो दीवार प्रोवाइड की जाती है उसको पैरापेट बॉल कहते हैं, और इसकी मिनिमम हाइट 0.6 मीटर और मैक्सिमम 1.2 मीटर रखी जाती है। तो दोस्तों आज हमने बिल्डिंग वाइज लॉज पढ़े थे कि आपको जब भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो उसमें किस प्रकार की आपको क्या डायमेंशन रखनी है, उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, रूम की साइज़ क्या होनी चाहिए, और सारे उसके एस्पेक्ट्स का क्या क्या ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों।